गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। डेरिवेटिव बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, इसकी वेटेज है 2 to 7 मार्क्स। लेकिन ऑन एन एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल सिंपल है डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। देखो, सबसे पहले एक बार इसका मतलब समझ लेते हैं, डेरिवेटिव होता क्या है, ठीक है। अच्छा, पहले मुझे एक बार एक छोटी सी बात बता दो, क्या आप लोगों को मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला पता है क्या? क्या होता है? वन बाय वन। सुनाई नहीं दे रहा, कौन बताएगा? TCN -1। कौन बोल गया? हाँ, TCN -1। TCN -1 और डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू, या अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो क्या चेंज इन टोटल कॉस्ट, चेंज इन टोटल कॉस्ट और चेंज इन क्वांटिटी, यही बात है, ठीक है। बस यही डेरिवेटिव है, ठीक है। तो डेरिवेटिव क्या है? देखो यहां क्या कह रहा है, चेंज इन टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में जो चेंज आया, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, चेंज इन क्वांटिटी, जैसे जैसे क्वांटिटी में चेंज आया उसके कोरस्पॉन्डिंग टोटल कॉस्ट में क्या चेंज आया, यही बना ना। तो इसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? इसका डेरिवेटिव होता है कॉस्ट का, ठीक है। तो देखो, कॉस्ट फंक्शन आपको कुछ भी दे रखा है, आप उसका डेरिवेटिव कर दो तो मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी, यही करते हो। डेरिवेटिव सिखाया क्या तुम्हें? थोड़ा सा फॉर्मूला, ठीक है। अब एक बार इसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे। ये बात क्लियर हो गई कि जो हम मार्जिनल कॉस्ट पढ़ रहे हैं ना, वो क्या है? डेरिवेटिव है, ठीक है। तो डेरिवेटिव होता क्या है, पहले एक बार ये लिख लेते हैं मैथ की लैंग्वेज में। इसको डिनोट करते हैं dy/dx से, ऐसा डिनोट करते हैं dy/dx, ठीक है। डेरिवेटिव एक बार देखने में थोड़ा सा टिपिकल सा लगेगा, घबराना नहीं है, एक बार मैं पूरा बता देती हूं, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। अपने को इससे कोई मतलब नहीं है कैसे आया, अपने को बस फॉर्मूले याद रखने हैं, लेकिन एक बार समझ लो ये होता क्या है तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी जो 15-20 मिनट काम चलेगा ना, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो उसको देख के घबराना नहीं, हमें वैसा कुछ भी नहीं करना, वो बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ना नोट भी करने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो उसको, ठीक है। नोट भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक। सबसे पहले एक बार इस पे बात कर ले कि डेरिवेटिव होता क्या है। एक तो ये पता चल गया, उसका डेरिवेटिव कर दो तो अपनी मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी, है ना, कॉमर्स की लैंग्वेज में। तो अब देखो, डेरिवेटिव वैसे क्या होता है, एक्स के कारण वाई में जो चेंज आता है, ठीक है, एक्स के कारण वाई में जो चेंज आता है उसको बोलते हैं डेरिवेटिव। वो कितना चेंज आता है, वो कैसे इवेल्युएट होता है, ये हम पढ़ने वाले हैं। एक बार सिंपल सा मैं एक स्ट्रेट लाइन ले लेती हूं, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। आप लोगों ने 9th या 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि अगर इस पे दो पॉइंट दे रखे हैं आपको, ये पॉइंट ले लेते हैं x1 y1, ये पॉइंट ले लेते हैं x2 y2, ठीक है। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो बताओ क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है? क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में टेंजेंट थीटा ध्यान है क्या होता है?
पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो हमारा टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, बताओ क्या आप इस राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और बेस फाइंड आउट कर सकते हो? देखो परपेंडिकुलर मतलब ये वैल्यू, बेस मतलब ये वैल्यू, इतनी सी बात है। अब बताओ ये वैल्यू कैसे आएगी? इधर ये वाला पॉइंट y2 पॉइंट है, ये पॉइंट y1 पॉइंट है, ये पॉइंट x1 है और ये पॉइंट x2 है, यही बात है। अगर इस पूरे y2 में से ये y1 हटा दें, ये नीचे वाला पोर्शन हटा दे, तो बताओ ये y2 माइनस y1 आ जाएगा? ये बात बताओ क्लियर है क्या? इधर इस पूरे पोर्शन में से इधर तक का पोर्शन हटा दे तो बताओ ये वाला पोर्शन आ जाएगा ना, और ये दोनों पोर्शन सेम होंगे, तो बताओ ये पोर्शन हो गया x2 माइनस x1। यहां तक बताओ कोई कंफ्यूजन? यहां तक तो बात क्लियर है ना? ठीक है, अब परपेंडिकुलर बाय बेस, यही कह रही हूं ना मैं, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना आया इस ट्रायंगल का? y2 माइनस y1, बेस क्या आया? x2 माइनस x1। ठीक है, बस परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू लिखी है ना। ठीक, अब ये एंगल हो गया थीटा और ये भी एंगल थीटा, सेम होगा ये एंगल। अब देखो ये डेरिवेटिव होता क्या है? डेरिवेटिव होता है टेंजेंट थीटा। ठीक है, ये होता है अपना डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव कह लो, स्लोप कह लो, टेंजेंट थीटा कह लो, सब एक ही बात है। मतलब एक्स एक्सिस की, ये अपना एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जो भी लाइन कोई भी एंगल बनाती है उस एंगल के टेंजेंट को क्या बोलते हैं? स्लोप। ये बात क्लियर है? ये तो हमने उसमें भी पढ़ा था कि इसमें कोरिलेशन एंड रिग्रेशन में। ठीक है, इसको स्लोप भी कह सकते हो, टेंजेंट थीटा भी कह सकते हो, डेरिवेटिव भी कह सकते हो। ठीक है, ये तो बात थी एक स्ट्रेट लाइन की, लेकिन कर्व हमेशा स्ट्रेट लाइन हो ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। ठीक है, अब दूसरी बात देखो, दूसरी बात है अगर आपको कोई भी कर्व गिवन है, एनी कर्व, कोई भी कर्व मैंने ले लिया, मान लिया ये कोई भी कर्व है। ठीक है, अब इसमें डेरिवेटिव किसको बोलते हैं? किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लिया ये पॉइंट है ए पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट की जो टचिंग लाइन है ना, इस टचिंग लाइन को बोलते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, टचिंग लाइन को बोलते हैं टेंजेंट या फिर डेरिवेटिव या फिर डीवाई बाय डीएक्स। ठीक है, आ रही बात समझ? अब अभी अभी तो हमने सीखा कि जो डेरिवेटिव है उसके लिए तो दो पॉइंट चाहिए, है ना, कौन सा? y2 टू माइनस वाई वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन, दो पॉइंट होने चाहिए ना। लेकिन टचिंग लाइन से तो हमारा एक ही पॉइंट आया, एक ही आया ना। अब एक पॉइंट पे कैसे कैलकुलेट करें? नहीं कर सकते। ठीक है, तो डेरिवेटिव का मतलब तो क्लियर हो गया ना, किसी भी कर्व की उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टचिंग लाइन। ठीक है, अब उसके लिए अपने पास चाहिए दो पॉइंट। तो एक बार आप लोगों को ताकि शो हो जाए थोड़ा सा दूर ले लेती हूं ताकि आपको दिखाई दे, लेकिन इतना पास होता है ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। ठीक है, तो मैंने एक दूर पॉइंट ले लिया, तो देखना यहां पॉइंट हो गया ए प्लस एच। ये बात बताओ क्लियर है क्या? तो बताओ एक्स एक्सिस पे दो पॉइंट नजर आ रहे हैं, कौन कौन से? ए और ए प्लस एच। ये अपना हो गया फंक्शन एफ ऑफ एक्स, है ना। अब एफ ऑफ एक्स इस वाले पॉइंट पे यहां हो गया एफ ऑफ ए, और इस पॉइंट पे ये हो गया एफ ऑफ ए प्लस एच। ये बात बताओ क्लियर है क्या? ये फंक्शन हो गया। अब बताओ फॉर्मूला क्या होता है डेरिवेटिव का? y2 टू माइनस वाई वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन। अब बताओ यहां y2 का मतलब क्या है? एफ ऑफ ए प्लस एच, y एक्सिस के ऊपर जो दूसरा पॉइंट है कौन सा है? एफ ऑफ ए प्लस एच। पहला पॉइंट कौन सा है? एफ ऑफ ए, डिवाइड में x2 क्या है? a प्लस एच, और x2 x1 a, x2 माइनस x1, ऊपर क्या किया? y2 माइनस y1। अब देखो a से तो ये कैंसिल हो गया। अब देखो ये जो गैप लिया था आपने अपनी मर्जी से लिया था ना, और ये इतना छोटा सा गैप है ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, 0.00 समथिंग वैल्यू है इसकी, दिखाई भी नहीं देता। ठीक है, तो मैंने यहां लिख दिया लिमिट h टेंड टू 0। इसका मतलब है कि जो मैंने गैप लिया है ना, ये जो h लिया है अप्रोक्सीमेट 0 है, मतलब ऑलमोस्ट 0 के बराबर है। क्लियर आ रही है बात समझ? बिल्कुल निग्लिजिबल गैप है, ऑलमोस्ट 0 है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव का।
एफ डैश एक्स से डिनोट कर दो या डेरिवेटिव ऑफ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव, ठीक है. रिपीट कर देती हूं. देखो हमारा डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, y2 टू माइनस वाई वन, यानी कि y के अंदर चेंज, डिवाइड में क्या आएगा x के अंदर चेंज. लेकिन वो जो चेंज आता है ना वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल गैप होता है, ठीक है. तो x2 टू माइनस एक्स वन, यही किया है कि x में चेंज होने के कारण y में कितना चेंज आ रहा है, y में चेंज f ऑफ a प्लस एच और f ऑफ a, चेंज आ गया ना. कितना चेंज हुआ कि पहले आपका पॉइंट यहां था फिर थोड़ा सा आगे चला गया तो चेंज आ गया. ऐसे ही x पहले इधर था अब इधर हो गया, तो x में जो चेंज आया तो चेंज इन y किसके कारण, x के कारण. कि जैसे 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 अगर मान ले माल्या कॉस्ट का मैं एग्जांपल लूं कि जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी में चेंज आ रहा है उसके कोरोस्पॉन्डिंग कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डेरिवेटिव. तो यहां लिमिट क्यों लगाई, क्योंकि जो गैप होता है ना ऑलमोस्ट निग्लिजिबल गैप होता है, ठीक है. तो कोई भी क्वेश्चन है ना आपका डेरिवेटिव का इस फॉर्मूले में पुट करके आता है. तो इसको जनरलाइज कर दो, जनरलाइज एफ डैश एक्स. देखो मैं ऐसा लिख सकती हूं लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच. ये बात क्लियर है कैसे आया, ठीक है, एक्स वाई टू माइनस वाई वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है. तो कोई भी क्वेश्चन है ना जो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले बताने वाली हूं, ठीक है, वो सारे के सारे फॉर्मूले, ये पॉइंट तो लिख लो यहां से, जो भी मैं आप सारे फॉर्मूले आपको लिखवाने वाली हूं वो सारे के सारे इसमें पुट करके आए, इसमें पुट करके इवेल्युएट करके. तो आपको इसमें पुट करके नहीं करना फाइंड आउट, सारे आपको एज इट इज याद करने हैं, ठीक है. तो ये बात लिख लो, लिमिट, लिमिट का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू. तो यहां हम किसको लिमिट कर रहे हैं, एच को, कि एच की वैल्यू अप्रोक्सीमेट जीरो है. लिमिट का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, नॉट एक्जैक्ट वैल्यू. जनरल पॉइंट ले लिया ना, किसी भी पॉइंट पे फाइंड आउट करना हो, ठीक है, वो तो मैंने पर्टिकुलर पॉइंट पे दिखाया था, ऐसे किसी भी पॉइंट पे कर सकते हो. तो जनरल पॉइंट ले लिया एक्स, ये बस समझने के लिए था कि सारे के सारे फॉर्मूले इसमें पुट करके आए हैं. अभी बस आप डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखोगे, ये तो लिख लो एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेन टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी कि चेंज इन वाई किसके विद रिस्पेक्ट टू में, चेंज इन एक्स, और वो चेंज कितना है, एच कैप, ठीक है. याद तक बताओ बात क्लियर है क्या, ठीक है. अभी इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बस ये क्लियर हो गया कि सारे इसमें पुट करके आएंगे, अब इसको छोड़ दो एक बार, ठीक है. अब करते हैं अपना असली काम जो हमें करना है. देखो फंक्शन वैसे टोटल फाइव टाइप्स के होते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री अपने सिलेबस में है नहीं, तो ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने सिलेबस में नहीं है, तो तीन ही टाइप के फंक्शन बचे. तो तीन टाइप के फंक्शन, पहले तो उनकी पहचान आनी चाहिए. फर्स्ट है एल्जेब्राइक फंक्शन, फर्स्ट है एल्जेब्राइक फंक्शन, दूसरा है लॉगरिथमिक फंक्शन, दूसरा है लॉगरिथमिक फंक्शन, और थर्ड है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो सबसे पहले तो इनकी पहचान देखो, आपको कोई भी क्वेश्चन आए पहले यही पहचान करनी है कि एल्जेब्राइक है, लॉगरिथमिक है कि एक्सपोनेंशियल है, ठीक है. एल्जेब्राइक फंक्शन जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है. लॉगरिथमिक का एग्जांपल जैसे y इज इक्वल टू log x हो गया, और एक्सपोनेंशियल का एग्जांपल जैसे y इक्वल टू a की पावर x हो गया. तो तीनों की पहचान क्लियर है, रिपीट कर देती हूं. एल्जेब्राइक की पहचान है बेस में वेरिएबल होता है, ठीक है. लॉगरिथमिक में तो log आ जाएगा, अलग से दिख जाएगा. एक्सपोनेंशियल में पावर में वेरिएबल होता है, बेस कांस्टेंट होती है. तो ऐसे लिख लो चाहे वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, इसमें क्या होता है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल. कंफ्यूजन बस इसमें ही है ना,
लॉग में तो अलग से दिख ही जाएगा, लॉग आ गया, ठीक है। तो पहले तो पहचान करनी आनी चाहिए, पहचान क्लियर है। इसमें बेस में वेरिएबल कांस्टेंट पावर, इसमें बेस में कांस्टेंट वेरिएबल पावर में, ठीक है। तो जिसका जो तरीका है उसी तरीके से ही डेरिवेट करना है, ठीक है। बस ये तीन अलग अलग टाइप के डेरिवेटिव है। तो पहला फॉर्मूला नोट करो, पहला फॉर्मूला है एल्जेब्राइक फंक्शन y इक्वल टू एक्स की पावर n। तो देखो n अपना क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म। इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है, ठीक है। तो देखो n आगे आ गया, एक पावर कम हो गई, ये होता है डेरिवेटिव, हो गया इतना। दूसरा देखो y इक्वल टू log x, इसका डेरिवेटिव होता है 1 बाय एक्स, लोग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाय एक्स। तीसरा है a की पावर x, इसका डेरिवेटिव होता है a की पावर x log a, ठीक है। तो जिसका जो तरीका है ना, बस उसकी तरह डेरिवेट करना है। एक बार इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ये सारे के सारे फॉर्मूले उसमें पुट करके आए जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था। एक पे छोटा सा एग्जांपल में मैं बता देती हूं, ठीक है, तसल्ली हो जाएगी, देख लो। हाँ, एक बार नोट कर लो, फिर छोटे से एग्जांपल पे बता देती हूं, उसके बाद याद रख लेना। कर लिया नोट? एक बार बताने से पहले मुझे एक छोटे छोटे क्वेश्चन करके बताऊं। अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, बताना क्या बनेगा डेरिवेटिव। सबको आया क्या समझ? कैसे? 2 आगे आ गया, एक पावर कम हो गई, तो क्या लिखा? 2x। चेक करें उस फॉर्मूले से भी यही आता है क्या, करते एक बार इस पे ही चेक कर लेते हैं। क्या बताया था मैंने फॉर्मूला सबकी आवाज, एफ डैश एक्स लिमिट एच टेन टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच, ये बात क्लियर है। अब अपने यहां पे एफ ऑफ एक्स है कितना, एक्स स्क्वेयर, ठीक है। हमने सेटिलेशन फंक्शन तो कर लिया ना, तो हमें वैल्यू पुट तो करनी आती है ना एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो जहां भी एक्स से क्या पुट करना है, एक्स प्लस एच। करके देखो एक बार, लिमिट h टेन टू जीरो x प्लस एच का स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय h, इसमें बताओ कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो लिमिट h टेन टू जीरो एक्स स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर प्लस टू एक्स एच माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय h, ये बात क्लियर। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये वैल्यू कैंसिल, तो ये लिमिट एच टेन टू जीरो एच कॉमन आ रहा है ना, एच प्लस टू एक्स डिवाइड बाय एच, तो देखो एच से एच कैंसिल, तो देखो क्या आ गया, लिमिट एच टेन टू जीरो एच प्लस टू एक्स। तो देखो हमें करना क्या है, लिमिट का मतलब जहां भी एच है जीरो पुट कर दो, ठीक है। तो देखो करके देखो, एक की जगह हमें एच नजर आ रहा है, उसकी जगह जीरो पुट करो, तो बताओ क्या बचा, टू एक्स। तो हमने भी तो यही बताया था 2x होता है इसका डेरिवेटिव, आई बात समझ। तो सारे के सारे जो फॉर्मूले आए ना, इसमें पुट करके आए, इसको इवेल्युएट करके, आ रही बात समझ, ठीक है। अब बताओ फॉर्मूले, ध्यान है कि तीन ही टाइप के फंक्शन है, दोबारा बताओ मुझे x की पावर n का फॉर्मूला, सबकी आवाज, n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, a की पावर x का, a की पावर x log a, बस ये तीन टाइप के डेरिवेटिव है, ठीक है, क्लियर है। चलो करो छोटे छोटे क्वेश्चन।